नमस्कार, दैनिक मौसम चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिव कुमार मित्रा। आइए, आरंभ करने से पहले सबसे पहले आप सभी को भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण मौसम की जानकारी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, उत्तर पश्चिम और इससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान चितरंग की उपस्थिति हो गई है। और खासकर अगर हम बात करें, इससे पश्चिम बंगाल के तट के लिए, मतलब पश्चिम बंगाल तट के लिए चक्रवाती चेतावनी एक नारंगी संदेश दिया गया है। और अगर हम बात करें चक्रवाती तूफान चितरंग के विषय में, तो सबसे पहले आपको बताया, पूर्व मध्य बंगाल खाड़ी के ऊपर कल का जो डीप डिप्रेशन था, 23 अक्टूबर 17:30 बजे, शाम के 17:30 बजे, पश्चिम मध्य और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान सितरंग, जिसको सी स्ट्रांग भी कहा जाता है, में बदल गया था। ये पिछले 6 घंटों के दौरान 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग उत्तर उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ गया और आज 8:30 बजे 24 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम और उसके आसपास के मध्य बंगाल के खाड़ी के आसपास, मतलब हम इसको कहेंगे आज सुबह सुबह 18.30 नॉर्थ, और देशांतर की बात करें, अक्षांश हुए और देशांतर 88.90 के आसपास लगभग 380 किलोमीटर दक्षिण में ये केंद्रित था। अगर हम इसकी जो दिशा बताएं या इसकी जो दूरी बताएं, सागर द्वीप और बरिशाल बांग्लादेश से लगभग ये 520 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में अभी उपस्थित है। अगर हम इसकी आने वाली अगर हम इसके पूर्वानुमान हम आपको बताएं, तो अगले 12 घंटों के दौरान इसके उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है और ये गंभीर चक्रवाती तूफान में तेज होने की संभावना है। जैसा कि हमने बताया, इसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में आने वाले 12 घंटों में इसमें तब्दील या बदलने की संभावना है। इसके बाद जो इसकी दिशा होगी वो है उत्तर उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ना ये जारी रखेगा और 25 अक्टूबर के सुबह ये आसपास, अगर हम बात करें 25 अक्टूबर की सुबह सुबह ये तिनकोना द्वीप और बरिशाल के करीब सैंडवीप के बीच, एक सैंडवीप है, बांग्लादेश तट को पार करने की बहुत अधिक संभावना है। अगर हम इसको जीआईएस मैप में आपको दिखाएं, ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो जगह है, ये 24:12 UTC को ये 50 नॉट, आप देख सकते हैं 24 के 18 यूटीसी को 50 नॉट, और ये देखेंगे 25 तारीख की जंग सुबह सुबह ही आप देखेंगे तटों को पार करता हुआ ये बांग्लादेश से तटों को बीच से ये गुजरता हुआ दिख रहा है। ये जीआईएस में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप देखें, ये ऑब्जर्व ट्रैक और फोरकास्ट ट्रैक को दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि इसमें समय को और इसमें हवाओं की गति को भी नॉट में बताया गया। आप देख सकते हैं, ये देखिए साइक्लोनिक स्टॉर्म, जैसा कि हमने बताया आने वाले 12 घंटों में ये एक तरह से तेज सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में ये तब्दील या एक तरह से बदलने जा रहा है। अगर हम बात करें इससे जो सी कंडीशन, जो समुद्र की स्थिति और मछुआरों को क्या सलाह दी जाएगी, आप देख सकते हैं समुद्र की स्थिति में, ये देखिए पीले रंगों से दिखाया गया है, ये लगभग 24 और 25 की सुबह तक ये अगर हम बात करें 110 किलोमीटर, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे ये दिखा हुआ, ये देखिए लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उसके बाद ये 100 किलोमीटर ये रंगों से दिखाया गया और ये हरे रंगों से जो दिखाया गया, आप देख सकते हैं 65 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 65 से लगभग 110 किलोमीटर की जो रफ्तार है यहाँ पे बनी हुई दिख रही है आज और कल के बीच। ये वाली बात करेंगे, धीरे धीरे उसमें हवाओं की में थोड़ी कमी आएगी। हालांकि ये दो दिन अगर हम बात करें, मछुआरों को सलाह दी जाएगी उन जगहों पर ना जाए, हालांकि उसके बाद कोई वार्निंग नहीं है। अगर हम बात करें फिशरमैन की, जैसे कि हमने बताया मुख्य रूप से ऑफ उड़ीसा कोस्ट, पश्चिम बंगाल कोस्ट, बांग्लादेश कोस्ट में 24 से 25 अक्टूबर तक वो लगभग इन्हीं तारीखों के बीच वो एक तरह से इन समुद्र की स्थिति में ना जाए। अगर हम समुद्र की स्थिति बताएं, काफी रफ रहेगा, रफ रहेगा मतलब उथल पुथल बनी रहेगी और एक तरह से ये उड़ीसा कोस्ट, बंगाल बांग्लादेश के कोस्ट के पास इसकी स्थिति ऐसी बनी हुई रहेगी। हम आपको दिखा दें, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये देखिए ये अगर आज की अगर हम इनसे 3DR की सैटेलाइट की इमेजरी देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल घने बादल यहाँ पे छाए हुए हैं। ये भी साइक्लोनिक स्टॉर्म सिट्रांग है जो आने वाले 12 घंटों में अब ये एक तरह से सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे एक पश्चिमी विक्षोभ का भी यहाँ पे एक उपस्थिति देखी जा सकती है। हालांकि अभी जो बादल जो बने हुए हैं आप देख सकते हैं, एक तरह से उड़ीसा के लगभग उत्तरी और एक तरह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पूरी तरह से घने बादल छाए हुए हैं। हम बात कर लें अब वर्षा की चेतावनी, उड़ीसा में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिल सकता है। तटीय उड़ीसा में 24 तारीख को कुछ कुछ जगह पे भारी वर्षा भी देखी जा सकती है, मुख्य रूप से वो है भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में भारी से भारी वर्षा एक तरह से साउथ और नॉर्थ परगना में, ईस्ट मिदनापुर में और वेस्ट मिदनापुर में देखने को मिल सकता है 24 तारीख जो कि आज है। अगर हम हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा भी, मुख्य रूप से हम बात करें उड़ीसा के साउथ, पश्चिम बंगाल के साउथ नॉर्थ परगना नदिया में,
में देखने को मिल सकता है कल के दौरान, मतलब 25 अक्टूबर को ये साउथ नॉर्थ परगना और नदिया में भारी से भारी वर्षा भी कुछ जगहों पर देखी जा सकती है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उत्तर पूर्व राज्यों की हम बात करें, हल्की से मध्यम वर्षा भारी वर्षा को सम्मिलित करते हुए नॉर्थ असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर में देखने को मिल सकता है कुछ कुछ जगह में अत्यंत भारी वर्षा। साउथ असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा में 24 तारीख को जो कि आज है देखने को मिल सकता है। अगर हम बात कर लें अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय मिजोरम में कल के लिए भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकता है। और अगर हम खासकर 26 तारीख की बात कर लें भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट असम और नागालैंड में भी देखने को मिल सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम बात कर लें मुख्य रूप से वर्षा अत्यंत भारी वर्षा या एक तरह से भारी वर्षा की बात करें केरला में दर्ज हुआ है और त्रिपुरा तमिलनाडु में भी। केरल की बात कर लें 14 सेंटीमीटर अलपुजा में दर्ज हुआ है, त्रिपुरा में विशालगढ़ में 9 सेंटीमीटर और तमिलनाडु के तेनकासी में 7 सेंटीमीटर दर्ज हुआ है। साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में ये हमने बताया आपको। अब ये आने वाले 12 घंटों के दौरान इसकी दिशा होगी उत्तर उत्तर पूर्व की ओर होगी और धीरे धीरे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म अब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल जाएगा। ये रहे 5 दिनों के पूर्वानुमान। लेकिन अगर आप देखें जैसे कि हमने बताया था 24 तारीख को पश्चिम बंगाल में और में देखेंगे तेज हवाएं और रेड अलर्ट है, बिल्कुल रेड अलर्ट। और साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर पूर्व राज्यों में ये देखिए रेड अलर्ट यहाँ पर भी दिखाया गया है। कल भी अगर आप देखें तो 25 तारीख को ये स्थिति ऑरेंज अलर्ट में बनी हुई रहेगी, हवाएं तेज चलेंगी, हालांकि 25 तारीख के बाद से इसमें भारी कमी देखने को मिल सकती है। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।